हाय गाइस, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज की वीडियो में आपसे बात करूंगा मैं कॉफ़ी की हिस्ट्री के बारे में। कॉफ़ी की हिस्ट्री काफ़ी इंटरेस्टिंग है और कॉफ़ी बहुत ही फेमस एक बेवरेज है, ज़्यादातर लोग कॉफ़ी पीते हैं। और ये जो कंटेंट मैंने लिया है, ये एक बुक है, कॉफ़ी अ ड्रिंक फॉर द डेविल बाय पॉल क्रिस्टल। तो आप चाहें तो उस बुक को पढ़ सकते हैं, आपको और डिटेल में समझ में आ जाएगा कॉफ़ी की हिस्ट्री के बारे में। तो पहली चीज़ आती है, कॉफ़ी का डिस्कवरी कैसे हुई, कैसे कॉफ़ी दुनिया में आई। अब इसके पीछे दो कहानियाँ हैं। पहली कहानी कहती है कि कॉफ़ी का ओरिजिन हुआ था इथोपिया में। इथोपिया अफ्रीका के ईस्ट में एक कंट्री है। अब कैसे हुआ था, वहाँ पे इथोपिया में एक बकरी चराने वाला था, ठीक है। तो एक दिन वो अपनी बकरी चरा रहा था और आराम से बैठा हुआ था, तो उसकी बकरी दूर निकल जाती है और जाके एक ना प्लांट होता है, अब तक उस प्लांट का नाम नहीं पता था क्या था, ठीक है। तो उस प्लांट में जो बेरीज थी, उन बेरीज को वो बकरी खा लेती है। अब जैसे ही बकरी उन बेरीज को खाती है, बकरी में एकदम बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाती है, एकदम सुपर एनर्जेटिक हो जाती है बकरी, इधर उधर भागना शुरू कर देती है, एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो जब वो उसका ओनर होता है, जो चरवाहा होता है, बकरी को देखता है, वो कहता है क्या हो गया बकरी को भाई, इतनी एनर्जेटिक कैसे हो गई बकरी, ठीक है। तो उसको समझ में नहीं आता। वो जाके पास में एक मॉनेस्ट्री थी, तो जो मॉनेस्ट्री के हेड थे उनको जाके बोलता है वो कि भाई ऐसे ऐसे मेरी बकरी ने वो बेरीज खाई एक मिस्टीरियस से प्लांट से, और अब उसके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा आ गई है, ऐसी एनर्जी तो मैंने आज तक नहीं देखी बकरी में। तो अब जो मॉनेस्ट्री के जो हेड होते हैं, वो उसकी बात को सुन के वो भी हैरान हो जाते हैं, वो कहते हैं पता नहीं क्या खा लिया भैया बकरी ने, देखें जरा जाके। तो जब वो देखते हैं कि सच में बहुत ज़्यादा एनर्जी आ गई है बकरी में, अब ऐसा कैसे हुआ, तो देखते हैं कि वो प्लांट जो है, जरा उस प्लांट को चल के देखते हैं जिससे इसने खाया है बकरी ने। तो जब वो उस प्लांट को जाके देखते हैं, तो उस प्लांट पे ना बेरीज लगी होती हैं, ठीक है। तो उस बेरीज को तोड़ लेते हैं और इस बेरीज को आग में डाल देते हैं, तो उससे ना वो जो बेरीज होती हैं वो भुन जाती हैं। अब बेरीज जब भुन जाती हैं, तो उसको पीस के उसका एक पाउडर सा बना लेते हैं, और उस पाउडर को लिक्विड में डाल के बॉयल कर लेते हैं, ठीक है, और अब पी लेते हैं। और जब वो पीते हैं, तो उनको दिखाई देता है कि उनके अंदर भी बहुत एनर्जी आ गई है और उनको नींद नहीं आ रही, उनका कॉन्सेंट्रेशन लेवल बहुत हाई हो गया है और नींद नहीं आ रही, और वो फोकस बहुत ज़्यादा कर पा रहे हैं चीज़ों पर। तो अब ये तो बहुत बढ़िया हो गया, क्योंकि जो मॉनेस्ट्री में मॉन्क्स रहते हैं वो प्रे करते हैं, ठीक है। तो अगर कोई चीज़ अगर ऐसी हो जिससे उनका फोकस बढ़ जाए और जिससे उनको नींद ना आए उन, और जिससे वो रात में भी जाग सकें ताकि वो प्रे कर पाएँ, तो अच्छा और क्या है। तो अब यहाँ से देखेंगे आप कॉफ़ी की स्टार्टिंग होती है, क्योंकि वो जो मिस्टीरियस प्लांट था वो कोई और नहीं, वो कॉफ़ी का ही प्लांट था, ठीक है। तो एक कहानी तो ये है। अब दूसरी कहानी क्या है, दूसरी कहानी ये कहती है कि अरेबियन पेनिनसुला में एक कंट्री है यमन। यमन में एक ना सिटी है जिसका नाम है मोका, ठीक है। वो जो सिटी है मोका, वो आप देखेंगे मैप में रेड सी के पास है और एक पोर्ट सिटी है, वहाँ पे शिप्स वगैरह काफ़ी आती हैं। तो यमन के मोका सिटी में एक सेंट थे, एक सूफी सेंट थे, ठीक है। तो एक दिन वो थोड़ा घर से अपने दूर थे, तो घर से निकले हुए उन्हें काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाता है और उनको भूख लगती है। अब जब भूख लगती है, तो आसपास वहाँ कुछ खाने को नहीं था, तो वहाँ पे ना फिर एक प्लांट लगा हुआ था, उस पर बेरीज थी, वो फिर बेरीज को तोड़ देते हैं, उसको फिर वो आग में डाल के उसको भून लेते हैं, रोस्ट करते हैं, उसको भी फिर पाउडर बना लेते हैं, पानी में डाल के फिर उसको बॉईल करके वो पी लेते हैं। अब जैसे ही वो भी उसको पीते हैं, एकदम से उनके अंदर भी बहुत एनर्जी आ जाती है। तो उन्हें लगता है ये तो बड़ी कमाल की चीज़ है यार, मैंने जो पी है अभी, इसको पी के इतनी एनर्जी आ गई। तो अब इन्होंने जाके बाकी और लोगों को बताया, और लोगों ने भी इसको ट्राई किया, तो ये बात सच में प्रूव हुई कि इसको पीने से वाकई में एनर्जी बहुत आती है, फोकस बेटर हो जाता है और रात को नींद भी नहीं आती। अब रात को नींद नहीं आएगी तो आप ज़्यादा लंबे टाइम तक प्रे कर पाओगे, ठीक है। तो एक तरीके से स्टार्टिंग इसकी यमन के मोका सिटी में होती है और फिर धीरे धीरे ये बहुत फेमस हो जाता है और पूरे अरेबियन पेनिनसुला में ये फेमस हो जाता है। अब अरेबियन पेनिनसुला में फेमस होने के बाद फिर ये बाल्कन रीजन में फेमस होता है, वहाँ से फिर इसकी कॉफ़ी की एंट्री होती है यूरोप में, ठीक है। यूरोप में एंट्री होती है सबसे पहले वेनिस शहर में, इटली कंट्री का एक शहर है वेनिस, ठीक है। तो वेनिस में इसकी एंट्री होती है यूरोप में सबसे पहले। अब जब इसकी एंट्री यूरोप में होती है, तो वहाँ से प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। प्रॉब्लम क्या खड़ी होती है कि यूरोप में कॉफ़ी को माना जाता था शुरू में डेविल्स ड्रिंक, जी हाँ, इसको बोला जाता था डेविल्स ड्रिंक। अब हुआ क्या कि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया लोगों के बीच में कि पता नहीं ये कौन सी ड्रिंक आ गई है, कोई मिस्टीरियस सी ड्रिंक है, इससे इंटॉक्सिकेशन हो जाएगा। बहुत लोगों ने तो ये भी बोला कि एक सब्स्टिट्यूट है वाइन के लिए, तो उससे ना एक पैनिक सा क्रिएट हो गया था यूरोप में। पैनिक इतना ज़्यादा हो गया कि वहाँ पे उस टाइम पर जो पोप थे, पोप को खुद आके
कॉफ़ी को पीना पड़ा, और जब उन्होंने कॉफ़ी को पी के देखा कि ये ठीक है, इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उन्होंने बोला कि आप सब इसको पी सकते हैं, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे पोप की सहमति मिली, उसके बाद से ही फिर यूरोप में जो कॉफ़ी है वो पूरी तरह से फेमस होना स्टार्ट हो गई। लेकिन आज भी कॉफ़ी का निकनेम जो है वो डेविल्स ड्रिंक है। अब कॉफ़ी की वजह से एक सोशल रेवोल्यूशन भी आया। सोशल रेवोल्यूशन कैसे आया? यूरोप में कॉफ़ी बहुत फेमस होना स्टार्ट हो गई, अरब वर्ल्ड में तो ऑलरेडी फेमस थी, तो धीरे धीरे क्या हुआ, बहुत सारे ना कॉफ़ी हाउसेस खुल गए, बहुत सारे कॉफ़ी हाउसेस खुल गए। और जब कोई चीज़ नई नई होती है तो लोगों में बड़ा एक्साइटमेंट होता है, तो लोग क्या करते थे, वहाँ बैठ के बहुत लंबे लंबे टाइम तक डिस्कशन करना, दुनिया जहान की बातें करना और आर्ग्यूमेंट्स करना, तो बड़े इंटेलेक्चुअल डिस्कशन होने लगे। ठीक है, तो एक टाइम पे ये माना जाने लगा कि यार जो कॉफ़ी हाउस है ये ऐसी जगह है जहाँ पे आपको ज्ञानी लोग मिलते हैं, बड़ी ज्ञान की बातें मिलती हैं। जो कॉफ़ी हाउसेस थे उनको बोला जाने लगा स्कूल ऑफ द वाइज, और एक लिंक बन गया कॉफ़ी हाउसेस के बीच में और एक इंटेलेक्चुअल लाइफ के बीच में। तो जिसको भी इंटेलिजेंट बनना है, जिसको ज्ञान चाहिए, दुनिया के बारे में बिल्कुल अपडेट रहना है, बड़े इंटेलिजेंट लोगों से मिलना है, तो उसको फिर कॉफ़ी हाउस जाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो कॉफ़ी की वजह से एक सोशल रेवोल्यूशन आना स्टार्ट हुआ। लोग जाके वहाँ बैठते थे, अपने आइडियाज़ डिस्कस करते थे, साथ ही साथ वहाँ पे लोग चेस भी खेलने लगे, म्यूजिक भी सुनते थे। तो इसकी वजह से क्या हुआ, लोग काफ़ी ज़्यादा सोशल होना स्टार्ट हो गए थे। अब आपको ये जानकर हैरानी होगी कि लंदन में उस टाइम पे कॉफ़ी हाउस में विमेन को एंट्री अलाउड नहीं थी। तो एक तरफ तो विमेन को एंट्री अलाउड नहीं थी, और दूसरी तरफ जो मैन थे वो पूरा पूरा दिन कॉफ़ी हाउस में बिताते थे। तो फिर उस टाइम पे विमेन ने एक आर्टिकल पब्लिश किया जिसका नाम था एन एसे इन डिफेंस ऑफ द फीमेल सेक्स, जहाँ पे लिखा गया था कि जो मैन हैं वो अपने घर से एब्सेंट रहते हैं, डोमेस्टिक जो ड्यूटीज़ हैं उसको पूरा नहीं करते हैं, फैमिली को निग्लेक्ट करते हैं। और इस आर्टिकल में ये भी लिखा था कि मैन वहाँ बैठ के दुनिया भर की बातें कर रहे हैं कि दुनिया को हमें कैसे चेंज करना चाहिए, दुनिया में कैसे बेटरमेंट होना चाहिए, लेकिन जो उनका खुद का घर है उस पर वो ध्यान नहीं देते। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि कॉफ़ी को 17th सेंचुरी का वियाग्रा बोला जाता था। इसको बोला जाता था कि ये लिक्विड वियाग्रा है, और इसको पीने से मैन की जो सेक्सुअल परफॉर्मेंस है वो बेटर होती है। बड़ी ही स्ट्रेंज और एक दिलचस्प कहानी है कॉफ़ी की। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो उसको काइंडली सबसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।